दें कि बबेरु कस्बे के सिटी पैलेस मैरिज हॉल में कामतगिरी ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं जैव विविधता के संवर्धन विषय विचार गोष्ठी एवं जैविक कृषि का प्रशिक्षण कृषकों को दिया गया। डॉक्टर वी के सचार ने जल जमीन जंगल एवं हवा के संरक्षण पर जोर देते हुए जैविक कृषि करने के लाभ बताए। डॉक्टर राजकुमार ने यूरिया डीएपी कीटनाशक आदि रासायनिक पदार्थों के दुष्परिणामों को बताते हुए जैविक खाद के प्रयोग करने के लिए किसानों को बल दिया। वहीं आयोजक आदित्य सिंह पटेल ने गांव से आए हुए किसानों का आभार व्यक्त किया और उपस्थित लोगों ने जैविक खेती करने का हाथ उठाकर संकल्प भी लिया। किसानों ने कहा कि इससे फसल भी अच्छी मिलती है, अनाज भी बिल्कुल साफ होता है। ये पुरानी योजनाओं से ज्यादा लाभकारी है, इससे फसल अच्छी दिखाई देती है, फसल बराबर खड़ी रहती है, इससे फसलों में दीमक भी नहीं लगती, जिससे फसल बर्बादी से भी किसान बच जाते हैं। गोष्ठी में मौजूद डॉक्टर मीनाक्ष कुमार ने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं जैविक विविधता के संवर्धन विषय विचार गोष्ठी एवं जैविक कृषि का प्रशिक्षण था, जिसमें जैविक विविधता की जानकारी देने के लिए हमने गांव-गांव से किसानों को बुलाया था, जिसमें तहसील के लगभग 500 किसानों ने भाग लिया। गोष्ठी में हमने खाद की जानकारी दी व फसल बर्बादी से बचाव के रास्ते बताए तथा किसानों को जैविक खेती की तरफ से विशेष बल देने की गुजारिश की। ये आपके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं जैव विविधता के संवर्धन विषय विचार गोष्ठी थी और साथ में जैविक कृषि के को प्रोत्साहित करने के लिए गांव-गांव से हम लोगों ने किसानों को बुलाया था और इस गोष्ठी में हमारे तहसील के कम से कम 500 किसानों ने भाग लिया है और इसमें जैविक कृषि के बारे में हम लोगों को बताया। यूरिया डीएपी रासायनिक केमिकलों से जिस तरह से हमारी खेती को नुकसान पहुंचा है, हमारे देश मिट्टी के केचुए उसके छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो गए, मिट्टी इतनी पथरीली हो गई कि उससे 20 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो भी 4 इंच गहरी जुताई नहीं कर पाता, 3 इंच गहरी जुताई केवल कर पाता है और साथ में हमारी मिट्टी बंजर और ऊसर होती जा रही है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। उसको चूसने का काम जो यूरिया डीएपी और रासायनिक खाद ने किया है और साथ में हमारा जो अनाज है वो विषैला हो रहा है, उससे हमारे समस्त प्राणियों में कैंसर है और एलर्जी है, त्वचा के रोग है, लीवर है, किडनी है आदि जो गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं, जो असाध्य हैं, जिनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, इन सबसे बचने के लिए अब इस समय जो वर्तमान में उपाय है मात्र जो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए जैविक खेती की ओर लौटना। इससे फसल भी उपज अच्छी मिली, अनाज बिल्कुल साफ हुआ, जो उसमें मामा गेहूँ का मतलब जो चिकन जो था वो भी समाप्त हो गया, खरपात भी समाप्त हो गया, पहली बार भी हमको ये लाभ मिला। अच्छा, जो डीएपी और यूरिया में मिलता था उसमें इसमें कुछ अंतर मिला? ज़्यादा अंतर है, ज़्यादा लाभकारी है, उससे फसल अच्छी दिखाई देती है और हरापन अपनी ज़्यादा रहता है, सब चीज़ उसमें अच्छी है और फसल अच्छी है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई दोष नहीं। उगड़ा दीमक ये भी चल समाप्त होता है, लाही में इतना उगड़ था, लाही 2.5 क्विंटल का बीघा पैदा हुआ, पिछले साल की बढ़ इस साल की बढ़ गई, ये सब समस्याएं पिछले साल की, इस साल तो धान बड़ा अच्छा है और बिल्कुल अभी भी चल रही है, फसल कैसे चलती है।